तो दोस्तों, अगर आप EMI बैंड पे इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए। लास्ट टाइम EMI बैंड 3 लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर को, इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का लेके आया था और 1 मिलियन सेल हुआ था ये EMI बैंड 3। तो उसके बाद अब EMI बैंड 4 के बारे में बात चल रहा है, क्योंकि EMI बैंड 4 का कुछ लीकेज सामने आ गया है और चाइना में जो NCC सर्टिफिकेट होता है वो भी पास हो गया है उसमें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ EMI बैंड 4 के बारे में डिटेल्स, कब ये लॉन्च हो सकता है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन रह सकता है और देखने में कैसा होगा। तो दोस्तों, एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैं उन्हें ही मारा, आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल रेंज। तो चलिए देख लेते हैं EMI बैंड 4 कैसे होता है। तो दोस्तों, लास्ट ईयर जब EMI बैंड 3 लॉन्च हुआ था, 0.78 इंच ओलिट के साथ ये लॉन्च हुआ था। ये जब लॉन्च हुआ था इंडियन अमाउंट 1999 में, तो ये बवाल मचा दिया था मार्केट को और बहुत सारे कस्टमर इसको लिया था। 1 मिलियन EMI बैंड 3 उन्होंने सेल कर दिया था। EMI की तरफ से हर साल एक नया बैंड आता है, इस बार आ रहा है EMI बैंड 4। तो EMI बैंड 4 का कुछ लीकेज सामने आ चुका है। तो उसमें क्या है, सबसे मेजर जो चेंज होने वाला है EMI बैंड 3 से, वो है आपका कलर डिस्प्ले। तो इतना दिन किया था इसमें कलर डिस्प्ले नहीं था, शायद कुछ हुआ का कुछ था उसमें कलर था, कलर डिस्प्ले वाला कुछ EMI कुछ बैंड आया था। लेकिन EMI की तरफ से ये फास्ट EMI बैंड होगा जिसमें आपको काला डिस्प्ले रहेगा और साइज बिल्कुल इसका तरह ही सेम ही है। और सबसे बड़ा जो मेजर चेंज रहेगा वो है वॉइस कमांड भाया स्मार्ट असिस्टेंट। इसमें स्मार्ट असिस्टेंट रहेगा और ये वॉइस कमांड फॉलो कर सकता है, शायद कॉल कॉल करना, SMS करना, सब कुछ इसमें से ही हो सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी तक डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन एक रेंडर चाइना में एक लीक हुआ था उसमें से पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। चाइना का जो स्मार्ट असिस्टेंट होता है उसके लिए ये चल रहा था, लेकिन जब इंडिया में आएगा शायद ये गूगल असिस्टेंट्स में काम करेगा। तो ये बहुत बढ़िया है और इसका प्राइस हो सकता है लास्ट ईयर जैसा 1999 का। और डिस्प्ले अभी तक डिस्प्ले के बारे में अभी तक कुछ क्लियरली पता नहीं है, लेकिन देखने में उस पिक्चर को देखने में लग रहा है लगभग सेम ही इस तरह भी है, सिर्फ डिस्प्ले को उन्होंने कलर कर दिया। और अभी अभी जो खबर है उसके मुताबिक स्मार्ट असिस्टेंट वाला वॉइस कमांड वो फॉलो करेगा। तो यही दो मेजर चेंज अभी तक पता चल गया है और यहाँ पर अब मैं पिक्चर ही दे दिया हूँ, वो आप देख लीजिए। और एक चीज़ इसमें आपका ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करेगा। ये लगभग मई का लास्ट तक ये चाइना में लॉन्च हो सकता है और चाइना में लॉन्च होने के कुछ दिन ही बाद ही इंडिया में आ जाता है बैंड का। तो जो लोग अभी भी EMI बैंड 3 के लिए सोच रहे हो वो सोचना बंद कर दो, क्योंकि EMI बैंड 4 जब आएगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। मैं तो इसको अपग्रेड करके EMI बैंड 4 खरीद लूँगा, फिर उसका अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा और क्या क्या फीचर है वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों, यही था EMI बैंड 4 का जितना सारे डिटेल सामने आया है। 3 मेजर चेंज का भी पता चला है, एक है कलर डिस्प्ले, 2 है वॉइस कमांड और 3 है ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट। और ये लॉन्च हो सकता है मई में और प्राइस हो सकता है लगभग लास्ट ईयर जैसे 1999। और अगर EMI बैंड 4 के बारे में और भी डिटेल्स अगर आए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज इतना ही, बाय।